हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी बनिस्ट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है उसी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ हम बात करेंगे 69,000 को लेकर 40,000 से अधिक दोस्तों अभ्यर्थी की संख्या बताई जा रही है जो कि दोस्तों फॉर्म की गलतियों के अंदर बाहर हो सकते हैं। लेकिन ऐसे में कौन से वो अभ्यर्थी, इसके बारे में बताएंगे। साथ में दोस्तों आप सभी को बताएंगे 3 अंक की वजह से कहीं ना कहीं 14,000 की संख्या और दोस्तों बढ़ गई थी। लगातार दोस्तों हम इसको लेकर बात भी कर रहे थे कि 3 अंक बढ़ने से कितने अभ्यर्थी बढ़ सकते हैं, तो इसको लेकर यहाँ जानकारी भी मिल रही है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो 40,000 जो अभ्यर्थी दोस्तों उनके बारे में बताया जाए जिनके फॉर्म के अंदर त्रुटियां, मतलब कुछ गलतियां हैं, उनको यहां पर संशोधन का मौका नहीं दिया जा रहा, तो ऐसे वो चयन प्रक्रिया से दोस्तों बाहर हो जाएंगे। और साथ में यह भी बताया गया जिनका रिजल्ट दोस्तों इनवैलिड देखने के लिए मिला है उनकी यहां पर बात की जा रही। तो आज की डेट के अंदर जिनका रिजल्ट आ चुका है उनको यहां से बाहर नहीं किया जाएगा। साथ में दोस्तों यह भी बताया जा रहा है कि जिनकी गलती दोस्तों रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर को लेकर, जो लोग दोस्तों परेशान मोबाइल नंबर वगैरह को लेकर हो रहे थे, तो आप सभी दोस्तों इन चीज़ों को समझ लें कि अगर आपका आज की डेट के अंदर रिजल्ट आ चुका है, आप क्वालिफाई हो गए या फिर दोस्तों जो भी हुए हैं उसके अंदर दोस्तों आपको इसके अंदर बाहर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है वो दोस्तों इनवैलिड रिजल्ट के बारे में बताया जाए जिनका दोस्तों जो रिजल्ट है वो नहीं आया। मीडिया रिसोर्सेज का कहना है कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से जैसे मार्कशीट का नंबर या फिर दोस्तों उन्होंने अपने मार्क्स जो है गलत डाल दिए जिसकी वजह से उनको दोस्तों यहाँ पर बाहर किया जा सकता है। लेकिन सूचना दोस्तों अभी सत्ता के ऊपर आई, मतलब दोस्तों अभी जो संभावना 100% नहीं हुआ, इसको लेकर दोस्तों अधिकारियों की तरफ से मना कर दिया गया कि संशोधन नहीं किया जाएगा। आने वाले समय के अंदर दोस्तों इसको लेकर क्या डिसीजन लिया जाएगा वो आप सभी को बताया जाएगा। लेकिन जिनका आज की डेट में रिजल्ट नहीं आया है उनको लेकर दोस्तों यहाँ बताया जाए कि 40,000 अभ्यर्थी दोस्तों इससे बाहर हो सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट मिलेगी आप सभी को बता दी जाएगी जो कि मीडिया रिसोर्सेज के माध्यम से देखने के लिए मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आप सभी को बता दें कि 3 अंक कॉमन दिए गए तो 69,000 के अंदर, उसकी वजह से दोस्तों अभ्यर्थी की संख्या काफी ज्यादा आपको देखने के लिए मिली। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे 69,000 को लेकर बताया जाए कि सभी जो चयनित शिक्षा मित्र दोस्तों वो शिक्षक बन जाएंगे क्योंकि उनको मिलने वाला है यहाँ पे बाधांक, उसी को लेकर यहाँ बात की जा रही है। कितने शिक्षा मित्र इसको लेकर मैं आप सभी को बता चुका हूँ, 8,000 के आसपास है। और साथ में तो कल शाम को आपको बताया भी था कि 61,000 पे दोस्तों लड़ाई देखने को मिलेगी बीएड और बीटीसी के अंदर, और यहाँ पर जिसके अच्छे नंबर होंगे उसको यहाँ नौकरी मिल जाएगी बड़ी आसानी से। तो दोस्तों दूसरी तरफ अगर बात करें जितना आंकड़ा देखने के लिए मिला है, लगभग दोस्तों आप सभी को बताएं 1,46,000 के आसपास देखने के मिले हैं। तो उसमें यह बताया जा रहा है 3 अंक दोस्तों बढ़ा दिए आप सभी को पता है पीएनपी की तरफ से, जिसको किसी ने चैलेंज भी नहीं किया था। परीक्षा समिति ने सभी अभ्यर्थियों को 3 अंक कॉमन देने का निर्णय लिया, इससे दोस्तों करीब 14,000 अभ्यर्थी सफल हो गए हैं, वरना दोस्तों रिजल्ट जो है उत्तीर्ण होने वालों की संख्या कम रहती। यदि यह परिणाम पिछली बदली कट ऑफ पर आया होता तो सफल होने वालों की संख्या 203 लाख के करीब होती। मतलब आपको बता दें यहां बताया जाए अगर 240-245 को लेकर जो मांग की जा रही थी उसी कट ऑफ पर देखने के लिए मिलता तो लगभग 3 लाख या फिर मैं कहूँगा 3.5 लाख भी पास हो सकते थे, क्योंकि 60-65 पे इतना प्रेडिक्ट किसी ने नहीं किया था जितना परिणाम देखने के लिए मिला है। वहीं दूसरी तरफ आज आप सभी देख रहे हैं किसी के अंक दोस्तों 140 हैं, किसी 141 हैं, किसी 142 हैं, कहीं के दोस्तों 149 देखने के मिले, लेकिन वहां पे दोस्तों अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है कि वो 100% सही है कि नहीं है। लेकिन अगर बात करें 130 से ज़्यादा अगर किसी के आते हैं, 140 दोस्तों असंभव है जो कि आज की डेट के अंदर सोशल मीडिया पर तमाम वायरल हैं जो कि 100% सही भी हैं। तो लगातार आप सभी समझ सकते हैं इस भर्ती के अंदर तमाम विवाद देखने के लिए मिलते हैं। वैसे में 240 अभ्यर्थियों को लेकर विवाद देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर दोस्तों उनके बारे में क्या क्या रहेगा। लगातार अभ्यर्थी संशोधन की मांग भी कर रहे थे, अब छोटी छोटी गलतियों की वजह से जिनका दोस्तों रिजल्ट नहीं आया उनके बारे में और भी सूचना मिलेगी, सबसे पहले आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से गाइस इतना ही, थैंक यू।